नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पिछले 2-3 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर कभी कांग्रेस के हवाले से आती है तो कभी बीजेपी के हवाले से, लेकिन हर तरफ हड़पंग मचा हुआ है। बात चाहे हरदीप सिंह डंग के द्वारा इस्तीफे की हो या फिर नारायण त्रिपाठी जैसे नेताओं के इस्तीफे की आशंका की, दोनों तरफ से स्थितियां सामान्य नजर नहीं आ रही है और इन सब के बीच कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का राजनैतिक पारा चढ़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से एक खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर के संजय पाठक अब कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस का दामन थामने की बात को निराधार बताते हुए स्वयं संजय पाठक सामने आ गए हैं। उन्होंने 2 मिनट के वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और जनता को गुमराह नहीं होना है। मैं बीजेपी से था, बीजेपी में हूँ और बीजेपी में ही रहूँगा, लेकिन वर्तमान समय का जो राजनीतिक परिदृश्य है तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी हत्या की आशंका को भी जाहिर किया है। इसके साथ ही साथ इसी राजनीतिक मतभेद, इसी राजनीतिक परंपरा और कहीं ना कहीं सियासी भूचाल के अंतर्गत बिसाहू लाल के लापता होने की भी खबर सामने आई है और भोपाल के टीटी नगर थाने में बिसाहू लाल के लापता होने की रिपोर्ट उनके परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायकों के अब भी पार्टी से बाहर होने की खबरें चल रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों के मध्य प्रदेश से बाहर होने की भी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। आइए देखते हैं संजय पाठक के द्वारा दिया गया ये बयान। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया करके मेरे विषय में जो कल से भ्रामक समाचार आप लोग फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद कर दें, गलत मत दिखाएं। आपके ऊपर जनता विश्वास करती है, भारत के आप चौथे स्तंभ हैं। आप जो दिखाते हैं लोग उसके भ्रम में पड़ जाते हैं। आप कल से लगातार दिखा रहे हैं कि मैं किसी वरिष्ठ नेता के यहाँ, मध्य प्रदेश के किसी दिग्गज के यहाँ उनके बंगले में मिलने गया, ये पूर्णतः असत्य पर आधारित है। और जो वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं कि सर छुपा के जो निकल रहे हैं संजय पाठक है, तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ भाई साहब, आप सभी लोग मीडिया के सभी साथी मेरे मित्र हैं, पिछले 2500 साल से मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना साथ में रहा हमारा आपका, आप तो मेरे शरीर के हर अंग को पहचानते हैं। कल जो आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं कि सर छुपा के संजय पाठक निकला है और जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें कलम नहीं है, क्या मैंने रात भर में कलम बढ़ा ली? पता नहीं किसकी फोटो दिखा के आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं कल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला, मेरा साला भर्ती है, मैं उसको हैदराबाद में उसका मेजर ऑपरेशन होना है और मैं उसके जीवन मरण के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, मैं उसमें अपने पारिवारिक परिस्थितियों में परेशानियों में फंसा हुआ हूँ। कृपया कर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं। मैं किसी से नहीं मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। अब मेरे साथ जो जो हो रहा है पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, कम से कम मेरी हत्या ना हो जाए बस इतना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ फायदे के लिए ये लोग मेरे को कहीं मार के भी फेंक सकते हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप कृपया कर भ्रम ना फैलाएं। मैं ना किसी से मिला ना कहीं गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और आने वाला समय सब बहुत अच्छा होगा। आप सबको एक बार फिर से निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार का भ्रम अगर आप लोग के दिमाग में है तो उसको निकाल फेंकिए। धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।